during a public rally in jamshedpur prime minister modi has criticized congress and its allies challenging their cms he stated that their shehzada opposes business investments and businessmen which discourages investors from entering those states modi emphasized that investors avoid these regions due to the hostile ideology towards them and the verbal abuse they face he also argued that this attitude negatively impacts the youth in those states as investments and job opportunities diminish let's listen in to what the prime minister had to say भाइयों बहनों मैं आज एक गंभीर विषय को स्पर्श करना चाहता हूं क्योंकि मैं आज उद्योग की धरती पर खड़ा हूं और मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच खड़ा हूं मैं जरा कांग्रेस को उनके साथियों को जहां जहां उनकी सरकारें हैं चाहे तमिलनाडु में हो केरल में हो कर्नाटका में हो तेलंगाना में हो पश्चिम बंगाल में हो हिमाचल में हो मैं उन मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं और जरा समझ ले मेरी चुनौती को ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये मेरा चुनावी स्टेटमेंट नहीं है मैं बड़ी गंभीरता से एक विषय को छेड़ना चाहता हूं और जो मीडिया वाले अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं वो जरा इनके मुख्यमंत्रियों को जाकर के सवाल पूछे ये उनके सहजादे आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं उद्योगपतियों का विरोध करते हैं निवेश का विरोध करते हैं आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति उनके राज्य में जाकर के पूंजी निवेश करेगा उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा ये महाराष्ट्र में जो लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे सामने हैं क्या वे सहजादे की इस भाषा को मान्य करते हैं क्या सारे निवेशक जो मुझे मिलने आते हैं वो कहते हैं साहब हम इन राज्यों में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो हमारे विरोधी विचारधारा है निवेश की विचारधारा विरोध की विचारधारा है उद्योगपतियों को गालियां दी जाती हैं मैं उन राज्यों के नौजवानों को पूछता हूं जो शहजादे की भाषा को सुनकर के कौन उद्योगपति उन राज्यों में आएगा वो पचास बार सोचेगा कि शाहजादे की ये नीतियां है तो उनके मुख्यमंत्री भी वैसा ही करेंगे For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.